के न्यूज खबरों की नई पहचान। धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस की 134 स्थापना दिवस पर कांग्रेस का झंडा फहराया गया। इससे पूर्व युवा कांग्रेस व महिला कांग्रेस के द्वारा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक से जिला कार्यालय तक पैदल मार्च कर आम सभा का आयोजन भी किया गया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, पर उन्हें 4 सालों में ही जनता ने जवाब दे दिया। 5 राज्य के चुनाव बता दिया कि जनता किसे देखना चाहती है। आने वाले समय में झारखंड में भी कांग्रेस की सरकार होगी और धनबाद के सांसद का भी। आज कांग्रेस पार्टी की 134वां स्थापना दिवस है और पूरे हिंदुस्तान में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, और उसी कड़ी में आज हम धनबाद जिला कांग्रेस की ओर से हमारे सभी साथी और हम मिलकर के स्थापना दिवस का आयोजन किया गया है। और सभी जिले के कार्यकर्ता नेता, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो, सभी लोग भाग ले रहे हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी ने ये देश को और अपने पार्टी के लोगों को आह्वान कर रहे थे कि देश को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे, लेकिन 4 साल के बाद ही उनको जवाब मिलना शुरू हो गया और उसका नतीजा है कि आज 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ पिछले दिनों, 5ों में हम लोगों ने भाजपा को पछाड़ा है। भाजपा हमसे पीछे है 5ों राज्यों में, और यहाँ तक कि 3 राज्य में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी की अगुवाई में सरकार बनी है। और हम आशा करते हैं कि राहुल गांधी जी, आरपीएन सिंह और डॉक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में पूरा झारखंड में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, हम झारखंड में भी भाजपा को बुरी तरह से पछाड़ेंगे और कांग्रेस की यहाँ सरकार बनेगी और कांग्रेस के यहाँ से सांसद होंगे।